जो हमारा क्वेश्चन है बॉइंट फोर्स पे डिपेंड करता है. देखिए क्या कहता है क्वेश्चन. इफ सम ऑब्जेक्ट इज वेड व्हेन सबमर्ज्ड इन वाटर व्हाट विल हैपन टू इट इट्स वेट कंपेयर टू इट्स वेट इन एयर. हमें क्या बोला गया, किसी बॉडी को हमने पानी में सबमर्ज कर दिया, डुबो दिया और फिर उसका वेट मेजर कर रहे हैं, तो हमें बताना है उसका वेट जब हवा में मेजर किया था उसके कंपैरेटिवली कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है या नहीं बदला है, इसके बारे में हमें बताना है. ठीक है, देखिए जब भी किसी बॉडी को हम किसी फ्लूइड में सबमर्ज करते हैं तो उस पर एक बॉइंट फोर्स लगता है जिसके कारण हमें लगता है कि उसका वेट थोड़ा रिड्यूस हो गया, अपेरेंटली वेट उसका हमें कम महसूस होता है. आपने अगर कभी ध्यान दिया हो, लेट्स से अगर आप सुबह नहाते हैं तो जब तक हमारा पानी का मग्गा पानी में होता है तब तक तो उसका वेट होता है कम, और जैसे ही हम उसे बाहर निकाल लेते हैं उसका वेट हमें कैसा लगता है, थोड़ा ज़्यादा हो गया. क्लियर है? अगर आपने आज तक गौर नहीं किया और नहाते भी होंगे अभी तक, तो कल जब जाएंगे, कल जब नहाने लगे तो मग्गा जब आप लें तब बॉटम से जब तक बाहर निकालेंगे, बाल्टी से जब तक बाहर निकालेंगे, आप देखेंगे उसका वजन आपको कम लगता है और जैसे ही पानी का मग्गा बाहर आ जाता है उसका वजन एकदम थोड़ा ज़्यादा लगने लग जाता है, ऐसा फीलिंग हमें आता है. तो बेसिकली वेट जब पानी में बॉडी सबमर्ज होगी उस समय पे उसका वेट हमें कम लगेगा, ये वेट डिक्रीज हो जाएगा. क्लियर है?